डिपार्टमेंट हो के साथ देखिए मोबाइल दिखाबो, अरे मोबाइल दिखाबो, मोबाइल दिखाबो, मोबाइल दिखाबो तुम, छोड़िए छोड़िए तोरो मारेंगे अभी। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। वकील और पुलिस वाले आपस में भिड़कर करने लगे मारपीट, वायरल हुआ वीडियो। काले वर्दी और खाकी वर्दी के लिबास में दो कानून के रखवालों ने आपस में भिड़कर कानून की धज्जियां उड़ा दी। मौजूद लोग दोनों को छुराना चाह रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा रहे थे और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे। नजारा था नालंदा जिला मुख्यालय स्थित बिहार शरीफ सदर अस्पताल का। क्या हॉस्पिटल में आकर के हमारे सिपाही के साथ मारपीट करने का? काला वर्दी पहने बिहार शरीफ के सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले वकील जितेंद्र कुमार की हनक देखकर हर कोई सकते में था। हाथ में बेल्ट लेकर वकील साहब उत्पाद थाना बिहार शरीफ में पदस्थापित होमगार्ड जवान को बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे, जबकि खाकी वर्दी वाले होमगार्ड के जवान प्रमोद कुमार रंजन वकील साहब का कॉलर पकड़कर बार बार मारने की बात कर रहे थे। बात अलग है कि उत्पाद विभाग की टीम के पहुँचते ही वकील साहब की हेकड़ी निकल गयी। उत्पाद विभाग वाले अभी आए हैं। दरअसल बिहार शरीफ के नूरसराय थाना अंतर्गत अंधना निवासी श्याम चौधरी के नाबालिग पुत्र को शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने उसके घर से गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कराने के लिए नाबालिग को पुलिस वालों द्वारा बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया था। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार भी बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचकर मेडिकल में सहयोग करने लगे। इसी बीच वकील और होमगार्ड जवान के बीच कहासुनी होते होते मारपीट होने लगी। बाद में पत्रकारों के सामने दोनों की अलग अलग दलीलें थी। दोनों एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगे। हालांकि मौके पर पहुंचे उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार ने वकील साहब को पूरी तरह दोषी ठहराया। के लिए तो एक सारा वाला में भी अपना ही अपना रख रख के अपना पंजा ऐसे करके करवा रहे हैं। उसके बाद उल्टा की हम किस कांड में लाए थे बच्चा को? ये कांड दारू के थे, अवेलेबल में है। उत्पाद विभाग से है जी? हाँ, उत्पाद विभाग से। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। कोर्ट से आए हैं, उसको बुलाइए। हमको साहब से आदेश हुआ है कि बच्चा को ये लोग मारपीट किया है, एक्साइज वाला, और वहां से साहब बोले कि वकील साहब अपने से जाकर के इलाज करवाइए। हम जब इसको आए हैं इलाज करवाने के लिए, जबकि कोर्ट के माध्यम से आए हैं, हम लोग को क्या मतलब है? मेरा ये फोटो खींच करके किसको भेज रहा है कि यही वकील है? वहाँ वो अंदर में है। मैंने क्या, मैंने पुलिस कर्मी है? हाँ, पुलिस कर्मी है। उत्पाद विभाग का? हाँ, उत्पाद विभाग का है। क्या नाम हुआ सर? सर आपका क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार एडवोकेट है। सिपाही है वो, हमारे जज साहब के आदेश पर मेडिकल कराने के लिए भेजा गया था और पीछे पीछे वकील साहब भी आ गए, जबकि वकील साहब किसी तरह का आने का अथॉरिटी नहीं था कि आना चाहिए था। जज साहब ने अगर बोला कि काम था चुपचाप यहाँ से बैठते देखते, लेकिन बावजूद की उन्होंने बहस किया। उसके बाद एक हमारे पदाधिकारी के साथ गाली गलौज भी उन्होंने किया, जाति सूचक वगैरह नाम लेकर के गाली गलौज भी किया। उनको जबकि आग्रह पूर्वक बताया जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक अपना मेडिकल का कार्य कराइए, उसके बाद जो भी प्रोसेस है मारपीट वगैरह में उसके बता तो ना कि हमारे सिपाही पर देखिए वर्दी उन्होंने फाड़ दिया है, जो कि एक जघन्य अपराधी वकील है, शिक्षित है, कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होकर के इस तरह का हरकत करना, ये एकदम पूर्ण रूप से अमानवीय घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, जो कि गलत है पूर्ण रूप से। इनका तरफ से इस तरह का कार्य करना ये तो कहीं से शोभा देता है। बहरहाल घटना का वास्तविक कारण क्या है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन कानून के दो रखवालों के बीच हो रही गुत्थम गुत्थी का वीडियो वायरल हो गया है और लोग तरह तरह की चर्चा करते हुए न केवल वकील और पुलिस जवान को कोस रहे हैं, बल्कि यह सवाल भी कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही होते हैं कानून के रखवाले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।